मेरा उसने खूब दूध पिया और बाद में यह हाल करकर छोड़ दिया। मैंने खूब खेत को सींचा, मेरे से उसने बहुत काम लिया, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे से खेत ना सींचा गया, तब उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तो गई थी घास खाने, मैंने उसकी थोड़ी सी घास क्या खाई, उसने मेरे सिर पर कुहाड़ी मारी। अब मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे कैंसर है। अब मैं और नहीं जीना चाहता। मुझे केवल छोड़ा ही नहीं गया, बल्कि मुझे सड़क पर फेंका गया है, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और मैं पूरी जिंदगी चल फिर नहीं सकता। आपके बच्चों की पतंगबाजी के शौक ने हमें पिंजरों में बंद करा दिया, क्योंकि अब हम उड़ नहीं सकते और अब हम प्रतिदिन अपनी उड़ान को मिस करते हैं। मैं अब बूढ़ा हो गया था, अब मुझसे सामान नहीं उठाया जाता था। गुस्से में आकर उसने मेरी टांग काट दी। उनको तो बछड़ी चाहिए थी, लेकिन मैं पैदा हो गया, इसीलिए मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अपनी माँ को रोज याद करता हूँ, क्योंकि वहाँ सब बछड़े अपनी माँओं के साथ ही रहते थे। वह तो रोज मुझे अपनी गाड़ी में रोटी खिलाने के लिए आता था, परंतु पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उसने अपनी गाड़ी मेरे पैर के ऊपर ही चढ़ा दी। गांव सेवा परिवार के हॉस्पिटल में आपके द्वारा छोड़े गए कितने ही बेजुबान अपनी जिंदगी खुशहाली से व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर केवल गाय माता ही नहीं, सभी प्रकार के जीवों का रेस्क्यू तथा अडॉप्शन की जाती है।